पापा मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता। बेटा तुझे तो पता ही है मेरी तनख्वाह से घर बहुत मुश्किल से चलता है, फिर बेटा मैं तुझे बाइक कहाँ से दिलाऊँ? अरे पापा आपसे एक बाइक ही तो मांगा था, अगर आपकी औकात नहीं ना मेरे खर्चे उठाने की तो मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। अरे बेटा बेटा रुक रुक, अरे बेटा मुझे समझने की कोशिश कर बेटा। इनका तो हमेशा का ही ड्रामा है, जब भी पापा से कुछ मांगो हमेशा मना ही करते रहते हैं। पापा का जूता? अबे यार गुस्से गुस्से में पापा का जूता पहन के आ गया। अबे यार ये तो पूरा फटा हुआ है और कील भी लगा है, पता नहीं इतना पैसा बचा के कहाँ लेके जाएंगे। चल यार अब इसे ही पहन लेता हूँ। अरे ये क्या? अरे यार ये तो पापा की सड़ी हुई डायरी है, मेरे किस काम की। ओ लड़के रुक, ओ लड़के ओए सुन। हाँ जी सर। अरे तुम्हारी डायरी गिर गई थी। अरे सर गिरी नहीं है, मैंने जानबूझ के इसे फेंकी है, ये मेरे पापा की सड़ी हुई डायरी है, पता नहीं सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा तो ये तुम्हारे पापा की डायरी है, इसमें तो कुछ पैसों का हिसाब किताब लिखा है। पैसों का हिसाब किताब? लगता है मेरे बाप ने ना बहुत सारे पैसे छुपा के रखे होंगे, उसी का हिसाब किताब लिखा हुआ होगा इसमें। जमा का तो नहीं लिखा इसमें, मगर किसको कितना देना है वो लिखा है। सब्जी वाले को 1000 देने हैं, दूध वाले को 800, राशन वाले को 3000, मकान का किराया 4000, कॉलेज की फीस भरनी है, लैपटॉप के 50,000 रुपये, और गुप्ता जी को 20,000 देना है जो बेटे के लिए फ़ोन लिया था, गुप्ता जी से और 1,00,000 रुपये लेने हैं बेटे की नई बाइक के लिए। तुम तो कह रहे थे बेकार सी डायरी है, पर इसमें तो वो सब कुछ लिखा है जो तुम्हारे पापा ने कर्जा लिया है तुम्हें खुश रखने के लिए। पापा ने पहले से ही मेरे लिए इतना कर्जा ले रखा है, ऊपर से मैं बगैर सोचे समझे पापा से बाइक के लिए जिद कर रहा था। अरे क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ने पहले से ही मेरी खुशी के लिए इतना कर्जा ले रखा है। मेरे पापा अभी भी फटे हुए जूते पहनते हैं ताकि मैं अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहन के चल सकूं। अरे भाई ऐसा बाप ना बड़े किस्मत वालों को मिलता है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने आप को बेच दे, और तू वाकई बहुत किस्मत वाला है कि तुझे ऐसे पिता मिले, और तू ऐसे पिता को और कर्जे में डुबाना चाह रहा था। बाइक नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम खूब मेहनत करना और अपनी मेहनत के पैसों से एक कार लेना, और उस कार में अपने पिता को बैठा के घुमाना। जब तुम उस कार में अपने पिता को बैठा के घुमाओगे ना, फिर देखना तुम्हारे पिता के चेहरे पे कितनी खुशी आती है। सर मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। सर ये डायरी मुझे दे दो, मुझे घर जाना है मेरे पापा के पास। पापा। अरे बेटा तू आ गया, मुझे माफ कर दो पापा। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे लिए बाइक का इंतजाम मैंने कर दिया है। पापा मुझे अब बाइक वाइक कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। अरे वाह मेरा बेटा अब समझदार हो गया है। अपने पिता की मजबूरी को हमेशा समझे, क्योंकि वो पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने आप को बेच देता है। जय हिंद जय भारत।